तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? हाँ हाँ, मुझे मौत से डर लगता है। अगर तुम्हें मौत से डर लगता तो तुम यहाँ पर बैठ के सेल्फी नहीं निकालते। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? देख इन सबको, ये सब अपने वक्त के बादशाह थे, बादशाह। लेकिन आज यहाँ बादशाह भी है, वजीर भी है, गुलाम भी है, सब है। ये सब आज मनोमिट्टी दले दबे हुए हैं। ना ये कुछ कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं, और ना ही देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सिर्फ उस रब की वजह से कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरा एक काम करोगे? वहां देख, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? तुम्हें मौत से मुझे पता था तुम आओगे, तुम आ गए। तुम कौन हो?
आखिर मुझसे चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूँ? मैं सिर्फ तुमसे एक काम चाहता हूँ। वो कबर देख रहे हो जिसपे रफीक लिखा हो, रफीक के कबर के पास मैंने एक चीज दबाई हुई है, तुम्हें उसे निकाल के मेरे अब्बू को देना। मेरे एक छोटा सा काम तुम कर सकते हो, मेरा ये काम तुम ही करोगे, प्लीज कर लीजिए। वो कवर देख रहे हो ना? हाँ वो ना। हाँ अच्छा, करामत। करामत यहाँ पर क्या कर रहे हो? अबे तू चल तो सही यार। ढूंढ रहे क्या? मसला क्या है? तुम बताओ तो सही। अब यार सबर तो करो। क्या सबर तो करो, मैं दे दूँ। ये तो घड़ी है, किसकी है ये? मुझे पता है किसकी घड़ी है, तू चल मेरे साथ। पागल हो जाओगे ये चक्करों में। बाबा जी, जी बाबा, आप इसको जानते हो क्या? नहीं बेटा, ऐसे नहीं जानता। बाबा आप इसको जानते हो? बेटा बात सुनो, इसको जानते हो? जी, ये तो रफीक अंकल है। आप इसी ले चलोगे इसी घर में? जी मैं वहीं पर चला, मैं आपको भी फोन कर देता हूँ। चलो ठीक। रफीक से कौन है बेटा? जब बुलाते ना, जब बुलाते ना। चल सलाम अलैकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। बेटे जी, बेटा क्या रफीक ने तेरे से भी पैसे लिए क्या? नहीं नहीं अंकल, रफीक मुझे कल मिला, उसकी कुछ अमानत है मेरे पास। रफीक का अमानत? जी अंकल, वो मुझे कल मिला, उसने मुझे कुछ अमानत दिया कि वो मैं ये लेकर आया, घड़ी दी थी उसने। घड़ी दी है रफीक ने? कब? रफीक तो बेटा क्या मतलब आपका? रफीक को 6 महीने हो गए फोन हो चुके। क्या बोल रहे हैं आप अंकल? वो तो मुझे कल मिला। रफीक तुझे कल मिला? हाँ।
नहीं, मेरा रफीक नहीं हो सकता, कोई और होगा बेटा। नहीं नहीं अंकल, मेरा बेटा रफीक, असल में मेरा रफीक 10 साल का था जब उसकी माँ फौत हो गई। उसके बाद मेरा बेटा बहुत चिड़चिड़ा हो गया, शायद मैं उसका परवरिश सही नहीं कर पाया बेटा, मेरे यूं था के एक दिन मेरा बेटा 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 उठ जाओ उठ जाओ, दिन के 2 बज रहे हैं यार, उठ जाओ। क्या मुसीबत है, क्या मसला है तुम्हारा? अरे दिन के 2 बज रहे हैं, नेस्ती अभी तक सो रहे हो, मैं जा रहा हूँ काम पे, फिर मुझे वास्ता नहीं है, उठो या नहीं उठो। तो आप जाए काम पे ना जाए काम पे, नींद खराब कर दी मेरी तुमने, मर्जी कर मारे को तुम जा ना, उठ जाओ उठ जाओ, तुम्हारा खराब किया हुआ है। हेलो, कहा था ना मैंने, देखो कागजात उसको पहले, कागजात उसके हवाले नहीं करने, बिल्कुल ठीक है, भी जाओ तो मुझे बता देना। अच्छा सही है, कर देना लाजिम, मैं इंतजार कर रहा हूं। ओके खराब लागे हूँ सर। वालेकुम सलाम। अरे आपने कभी तैयार होगा तो वो बना दी गई सही है, कितने दशो में? अरे घर की बात है, इतने होंगे फिर भी बता दो सही है ना। अरे यार आप कैसे इतना बोल के रिश्ते खराब कर रहे हैं, बाद में नाराज हो जाओगे। घर की बात है, नाराज नहीं किया कितने आप रहे वो कितने है? जब पूछा मैंने आपने कहा कितने भी दे दो, मैंने दे दिया आपको 200 रुपए सर्विस के मैंने दिए, 150 रुपए मैंने पट्टे के बना के दिए, आप फोन पे सही है यार, जाओ भी जाओ यार, काम नहीं करना आपको, काम करो नहीं करवाना है आज, आपसे काम ही नहीं करवाना है, जाओ सही है बीच काम ही नहीं करता सही है अभी जाओ यार। हेलो, मैं आपसे मुखातिब हूँ, हम सुनते हो, आपसे मुखातिब हूँ। देखो मैं तेरे बाप का मुलाजिम नहीं हूँ, तेरा बाप हूँ, चलो बोलो क्या बात है। मुझे 4 लाख रुपए की जरूरत है, दादा मेरे पास, मैंने कहा मुझे 4 लाख रुपए की जरूरत है, मुझे 4 लाख रुपए की जरूरत है। किस बात के 4 लाख रुपए? किस बात के क्या मसला है? मुझे 4 लाख रुपए की जरूरत है। सो है, और तुझे 4 लाख रुपए को करना क्या है मुझे बता दो। ये 4 लाख रुपए क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मेरा मसला। मैं तुझे 4 लाख क्यों दूं? वो पैसे मेरे हैं, तो मुझे 4 लाख की जरूरत है तो मुझे दे दे आप। बेटा तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे बाप के हैं। मेरे बाप के हैं तो मेरे हैं ना, तुम्हारे बाप तो मेरे ही होंगे ना। मेरे बात तेरे होंगे ना, अब तो तेरे नहीं है, कमा के दिखाओ 4 लाख रुपया तो मान लो। मैं क्यों कमाऊं, तुम्हारे मरने के बाद तो पैसे मेरे ही हैं, मैं क्यों कमाऊं? मरने के बाद अभी मैं जिंदा हूँ, नहीं है 4 लाख रुपए, जाओ अपना काम करो। मुझे 4 लाख चाहिए। नहीं देता हूँ मैं, दफा हो जाओ यहाँ से। मरने के बाद मिलेंगे? हाँ दफा हो जाओगी, तुम्हारे मरने के बाद मिलेंगे ना। अभी दफा हो जाओ यहाँ से, मैंने कहा कुछ भी नहीं मिलेगा तुझे। 4 लाख लेके रहूंगा, दफा हो जाओ यहाँ से। मरने के बाद कुछ नहीं मिलेगा तुझे।
समझ गए? मुझे पता था यही मिलोगे। तुम्हें उदास होने के बाद और कोई जगह नहीं मिलती? कब से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, कॉल क्यों उठा? तुमसे पूछ रहा हूँ कुछ। शिबाज तंग हो चुका हूँ यार मैं, इस जिल्लत भरी जिंदगी से मैं तंग आ चुका हूँ, तंग। आज सोचा क्यों ना यहाँ से कूद कर अपनी जान ही दे दूँ यार, तंग आ चुका हूँ यार। छोटी छोटी बातों पे तुम परेशान क्यों होते हैं? देखो वालिद ऐसे ही होते हैं, ये जो वालिद होते हैं ना ये मैरिट पे बात करते हैं, और जो माएँ होती हैं ना वो जानबदार होकर बात करती हैं। तो वो उन्हें जो सही लग रहा है वो बात वो कर रहे हैं, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? नहीं इस तरह बात ये नहीं है यार, ये बस बार बार तुम उस शख्स की बात करते हो जिससे मैं बहुत नफरत करता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, चले ऐसे करते जब तक तुम्हारे जर्मनी का वीज़ा आने वाला है ना तुम्हारा, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया का, चलो जब तक तुम्हारा वीज़ा नहीं आ जाता तो तुम मेरे साथ आओ और मैं मेरी फैक्ट्री में काम करूँ, क्या कहते हो? मुझे तुम्हारी कंपनी मिल जाएगी और तुम्हें इस जगह से छुटकारा मिल जाएगा। चलो आ जाओ, मेरी बात तो सुन रहा, आ जाओ, अभी इतना चल के आया हो थका हुआ। शादी कर रहे हो? तो और क्या करूं बताओ मुझे, ये उम्र है तुम्हारी शादी करने की? तो मुझे कहते हो मैं पैसे लुटा रहा हूं, तुम कुछ शादी करने के लिए पैसे लुटा रहे हो? तो बेटा मुझे संभालने के लिए भी कोई चाहिए ना, तू तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाता है, किससे किसके पास जाऊं, किससे बात करूं, किसको समझाऊं, जाहिर कोई ना कोई तो चाहिए ना मुझे। जी सलीम साहब, शाहिद साहब, कैसे हो आप लोग? अच्छा ये बताएं कि आप लोग ठंडा पियेंगे या गरम? आफिस साहब ना हम ठंडा पीने हैं ना गरम, आपको तो मालूम है कि आपका बेटा रफीक हमसे हर महीने 2-2 लाख रुपए लेके आज उसकी रकम बन गई है तकरीबन 40 लाख रुपए। क्या 40 लाख? जी आफिस साहब, आपको जैसे पता ही नहीं कि वो हमसे पैसे लेते थे, आपको तो सब मालूम है, पर मजीद हम आपको क्या बता सकते हैं। 40 लाख कोई छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। रफीक ने इतनी बड़ी रकम आप लोग से ली है? आबिद साहब जैसा कि आपको मालूम ही नहीं, देखिए वो तो एक बच्चा है लेकिन आपकी जिम्मेदारी पर हर महीने वो हमसे 3 लाख 2 लाख 5 लाख ऐसे ऐसे करके पूरे 40 लाख रुपया बटोर चुका है हमसे। पता है मुझे आप लोगों से पैसे लेते थे मगर इतनी बड़ी रकम 40 लाख रुपए तो आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं। आपको मालूम हो या ना हो हमें पैसे अपने चाहिए, अगर कल तक हमारे पैसे नहीं मिले तो मैं आपका फैक्ट्री और आपके जो है जितने कारोबार हैं आपके घर हैं सब मैं नीलाम कर दूंगा। अभी साहब ये सोच लो हम कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं, और ये मालूम है आपको हम क्या क्या कर सकते हैं। चलो समझो
रफीक बेटा बात सुन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, इधर आके बैठ जाओ। बोलो। मुझे ये पूछना था बेटा, तुम मुझे ये बताओ कि किस किस से उधार लिया तूने और कितने लिए, और एक बात बताओ मुझे, तूने ये मेरे सिग्नेचर किस तरह किए? ये पैसे मैंने उधार मेरे लिए, मैं अपने पैसे दे दूंगा, तुम्हें टेंशन होने की जरूरत नहीं है। तो बेटा मैं तेरा बाप, और लोग मेरे पास आते हैं तेरी शिकायत करने, तू पैसे लेके उनको देता नहीं है, और ये बताओ ये क्या है, ये क्या है, बैंक से पेपर आया हुआ है, ये कितने पैसे तूने निकाले? मैंने सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए निकाले। और कितने निकाले? 10 लाख रुपए निकाले बेटा, इसमें 40 लाख रुपए कम है मेरे हिसाब से, पता नहीं तू क्या करता फिर रहा है। जितने पैसे निकाले मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ से जाने के बाद ना तुम मुझे देखोगे ना परेशान रहोगे, मेरी जान छूट जाएगी तुम्हारे से। बेटा ये पैसे तुम्हारे बाप के, इसके फिलहाल मेरे भी नहीं है, ये लोगों के पैसे हैं मुझे देने। तू इस तरह करेगा मैं कारोबार कैसे करूंगा, काम कैसे करूंगा? मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किए, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, ना तुम्हें टेंशन होगी ना मुझे टेंशन होगी, ना मुझे देखोगे ना मैं तुम्हें देखूंगा। अच्छा मेरी बात सुन, अभी मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? अभी मैं जिंदा हूँ तो मुझे परेशान नहीं करना, मरने के बाद भले परेशान कर, इस तरह नहीं करते हैं बेटा, तू मेरा बेटा है। मर ना मर, दिमाग खराब करती हूँ, मरते भी नहीं हो तुम, जाओ दफा हो यहाँ से बेवकूफ इंसान। अच्छा बेटा शेबाज, बेटा मैंने तेरे को इस वजह से जहमत दी है, मैं रफीक की वजह से बेटा बहुत परेशान हूँ, पता नहीं क्या करता फिरता है, रात रात भर घर से बाहर रहता है, उन लोगों से उधार लेता फिरता है, तो उसको समझा बोलो अपने अब्बा के साथ क्यों ऐसा कर रहे। अगर आप परेशान हो तो समझाता हूँ, ये रफीक ने किया, मुझे यकीन नहीं आ रहा, रफीक ऐसे तो नहीं है, पता नहीं क्या हो गया ऐसे, आज पर मुझसे भी ना इतना नहीं मिलता, मैं उसे कॉल करके बुलाता रहता हूँ, अभी लास्ट टाइम मैंने कितने रिस्पॉन्स किए उसे और व्हाट्सएप किया, लेकिन कोई आंसर नहीं है, सीन भी हुआ मैसेज। मेरी बातें तो समझता नहीं है, मुझे तो अपना दुश्मन समझता है, दोस्त नहीं समझते, हालांकि मैं इस तरह का सलूक करता हूँ कि मेरा दोस्त बन जाए, मगर मेरी मानता नहीं है, पता नहीं क्या करता फिरता है, मेरी तो कुछ नहीं मानता है। अरे शहबाज, आप कहाँ परेशान हो रहे थे? चल चल, मेरी बात, मेरी शिकायत हो रही है ना इसके साथ। क्या रफीक, क्या देख रहा हूँ, तुम शराब पी के? थोड़ी सी दोस्त से रफीक, थोड़ी देर बैठ जाओ बेटा। मैं मुझे तुमसे बात नहीं करनी तो नहीं करनी, तुमसे मुझे बात नहीं करनी। क्या हो गया तेरे को रफीक? नहीं करनी भाई, नहीं करनी, तू चल मेरे कमरे में, मैं नहीं आ रहा हूँ इस हालत में तुम्हारे साथ, तू ये बात चल चल मेरे साथ, मैं इस हालत में नहीं आ रहा तुम्हारे साथ। अगर तू चल रहा, मुझे नहीं बैठना इसके साथ, नहीं बैठना तो नहीं बैठना। इसको इंसान इंसान बनाना सिखा बेटा, मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ, छोड़ इसको, छोड़, नहीं करनी बात, नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी बात तुमसे। Thank you.
पागल तो नहीं है यार? मोबाइल क्यों बंद है तुम्हारा? यार रात को लाइट नहीं थी तो मोबाइल चार्जिंग पर नहीं लगा सकता। बहरहाल अब तबीयत तुम्हारी कैसी है? तबीयत खराब है, एक घंटे की छुट्टी लेकर भी मैं आया हूँ। एक घंटे की छुट्टी नहीं, मैं फैक्ट्री गया, फैक्ट्री में तुम थे नहीं, इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। आप तबीयत कैसी? ओहो बुखार तो बहुत ज्यादा तेज है तुम्हारा। यार बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहे। तू ऐसे कर, तू दवाई ले ली अपने? दवाई ले ली, अभी थोड़ी देर बाद में आऊंगा इंशाल्लाह। नहीं नहीं आने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा, टेंशन नहीं, मैं संभाल बहुत ज्यादा है ना। अबे यार मैं संभाल लूंगा, तू लेट, अभी तू लेट, दवाई ले, मैं संभाल लूंगा। सही, आते वक्त तुम्हारे लिए कुछ मिल जाऊ, आते वक्त में तुम्हारे लिए कुछ ले आऊंगा। सही, रफीक बेटा बात सुनो, जरा बात सुनो। कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ। बाहर जा रहा हूँ? किस तरह बात कर रहे हो बाप से? मुझे कुछ भी करना है, तुम्हें क्या है, मैं बाहर जा रहा हूँ। अच्छा बात सुनो बेटा, ये घड़ी में जरा सेल डलवा के ले आना बेटा। और हाँ बात सुनो, अब क्या हुआ? इस तरह नहीं जाना बेटा बाहर, बहुत सर्दी है, कुछ पहन के जाओ। मुझे कुछ नहीं पहनना है, मेरे दोस्त मेरे इंतजार कर रहे हैं, मुझे जाना है। ओ जाए, लिए लो, ये लो, ये पहन लो, ये लो बेटा, ये जैकेट पहन लेना। इसे मैं पहनूं? हाँ पहन लो इसको, सर्दी बहुत है बेटा, इस तरह नहीं करते। ये तो मैंने पहन लिए, इसे भी मैं पहन लूंगा। अच्छा जल्दी आ जाना बेटा वापस। कराची की फैक्ट्री में लगी आग शिद्दत अख्तियार कर गई, 8 फायर टेंडर और एक स्नार्कर आग बुझाने में मसरूफ है। आग फैक्ट्री की 5वीं मंजिल पर लगी, तमाम फैक्ट्रीज मुलाजमीन को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। मजीद तफसीला जान लेते हैं जावेद कायमखानी से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से हमें। 4 घंटे से जायद का वक्त गुजर गया है, ताहाल जो है आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। शहर भर के फायर टेंडर्स को जो है मदऊ कर लिया गया है और फायर आग बुझाने के लिए जो है वो ऑपरेशन जारी है। आखिरी टाइम पे जो मैंने उसको ये घड़ी दी, उसके बाद मेरा रफीक नहीं आया। एक मिनट।